तो फ्रेंड्स वेरी गुड मॉर्निंग, मस्त सुबह हो चुकी है। किंजल मस्त दूध लेके आ गई है। चकली यहाँ पर हमारी भी उड़ गई है चिची करती हुई। सुबह और बच्चे जल्दी उठ जाते हैं, कुछ काम नहीं होता लेकिन उठना जल्दी होना। हाँ, मजा आता है उनको भी। ठंडी शुरू हो गई है, नहीं? यस, ठंडी बढ़ रही है अभी। बढ़ेगी, हाँ और बढ़ेगी। सुबह की ठंडी अभी पड़ने लगी है। गर्मा गर्म पोवा खाना है। तुम खाओ और इसको खिलाओ। मामा मामा ये अरुण पापा गाड़ी रिपेयर कर रहे हैं। पहले अरुण पापा साइकिल रिपेयर करते थे, अब गाड़ी भी रिपेयर। अरुण पापा आई फावी जू तो बारो गेरेज बंद कर दे ना। ना 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 देखो वायरिंग खुद कर रहे। ठंडी आवे छे के नथी आवती? રાબડા માખવાની છે। રાબડા ગાડી કેટલા માં લીધી? 5000 માં। 5 માં નાખ્યા ને દો નાખ્યા પાછા બીજે। ठंडी ठंडी का माहौल अभी बनता जाएगा। कलर काम चल रहा है घर के बाहर। दिवाली धीरे धीरे नजदीक नजदीक आ रही है। नजदीक दीवार ऊपर जो कलर हो रहा है, मतलब चूना जो हो रहा है वो रेडी कर रहे हैं भैया। यहाँ पर बाहर दिखाओ, बाहर की दीवार। बाहर की दीवार अभी दिखाता हूँ सबको। मस्त मस्त कल दिखाई थी मैंने। आपको आता है हिंदी? हमको सब आता है। सब आता है। मिक्स करेंगे इसको चूने को। यूं गड़े अजय थे कल गाड़ी में। अच्छा, दीवार को तोड़ जाते हैं। इसका बियर हम रेडी कर रहे हैं, आप सबको भेजेंगे। जिस जिसका कुरियर निकल रहा है ना उसको हम फ्री में भेजेंगे। इतना ज्यादा बियर हम रेडी कर रहे हैं इनका। धूप में भी बैठी है। क्या फरी है? वहाँ रोटली देवा तुम्हारे फिक्स थी गयु। हाँ देखो, ये दूसरी गाड़ी बाहर गाम जाने के लिए, और ये है वो राबड़े में चलाने के लिए। राबड़ा वाली गाड़ी और मेहमान वाली गाड़ी। श्री जी कृपा भजन गाओ। कल तो भाई तुम्हें हरखाना सो गए भजन गाता गाता। किचन में मस्त भाकरी करकड़ी मेरी बन रही है, साथ में है मक्खन। मक्खन तो हर रोज होता है, मक्खन के बिना भाकरी अच्छी नहीं लगती। नहीं लगती, मजा नहीं आता किंजर में। और अदरक वाली किंजर चाय बनाती है। मेरा दही किधर है? दही कबाट में है। दही कबाट में है, चलो चलो। दही कितना हमारा ढेफा जैसा बनता है ना, ढेफा जैसा बन। दूध ही अच्छा आता है तो दही अच्छा ही बनेगा। हाँ ऐसा है किंजर। आज फाइनली सीजन में जीरा पूरी आज बनाना हुआ। सुबह जीरा पूरी खाने का अलग मजा आता है सुबह सुबह। और ठंडी में तो सब अच्छा ही लगता है। अच्छा लगता है, काचरी पापड़ सब, मतलब आचार अच्छा लगता है। हाँ हाँ सही है, सही। काचरी में तो भाई बहुत, काचरी नहीं तो क्या बात। बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट इतनी आती है ना, मजा आता है। कुछ है आज? कुछ आज कीर्तन गाने वाले हैं मम्मी और मम्मी, और पूरी बनाएंगे बस। अभी हर रोज थोड़ा थोड़ा बनाएंगे दिवाली तक। और घर कब से डेकोरेशन करना है? घर डेकोरेशन 11 के बाद। 11 आएगी ना मेरी भाकरी जल जाएगी। जल जाएगी, बात मत करवाओ। करकड़ी करना एकदम। करकड़ी भाकरी होती है ना, खाने को मजा आता है दही के साथ। अच्छा, और दही में भी किंजल थोड़ा सिंधु नमक और जीरा डालना। जीरा, हाँ वो तो हर मजा आता है। कलर का गले कर दिए रेडी। और यहाँ पर मेरे पापा व्हाइट एंड व्हाइट कपड़ा पहन के। पापा क्या जावा नू छे? आज मगन काका नु पानी ढोल छे ने। हाँ हाँ, यहाँ जाऊ। मगन काका बगदाणा साइकिल ने जा, दीकरी लगन हता, दीकरा लगन बजे कंकोत्री देवा साइकिल ने जाता। ओहो, साइकिल अने ट्रेन। हाँ, बीजी क्या नहीं। ટુ વ્હીલ લીધી જ નથી ઠેઠ ગમે ત્યાં જાય, સાયકલ સિવાય ના બધા ફાવે જ નહીં. ને સિદ્ધાંતવાદી હતા, નીતિ વાળા હતા, અહિત નો થાય એવું જ કામ. અને જાતે મહેનત કરવા વાળા, એને ક્યાંક મોકલો તો પોતે કામ કરી લે, પણ બીજા ને તો ન સીંધે. એ લોકો ને અમેરિકા જવાનું હતું, એ લોકો ડોક્ટર એને તપાસ કરાવે, ટીપી બહાર મોકલે. એને નાની એવી ગાંઠ થાય, એમાં તકલીફ આવી ગઈ, ઓપરેશન થઈ ગયું, રેડી થઈ ગયું. પછી પાછું તકલીફ આવી ગઈ, પછી આવું થઈ ગયું. થઈ ગયું પાણી ઢોળ છે ને આજ? પાણી ઢોળ. ઓ પાછળ પાછળ કે વાઇફ યહાં પે હમારા જો ભી પ્રસંગ હોતા હૈ, ભજન હોતા હૈ, તબ ઇસી તરહ ઝૂમ વિલાસ મેં મસ્ત હમારે ઘર પે ભજન પે નાચતે થે, ભગવાન મેં લીન હોતે થે. તો વૈસે મગન કાકા કા આજ પાણી ઢોળ હૈ, હમ સબ લોગ જાયેંગે. યહાં ખુદ હી મગન કાકા હું કરચો? ચૂના લગાયેંગે. ખેલ રહી હૈ અભી મમ્મ કા. એન્જલ ટમેટા નિકાલ રહી હૈ, એક હૈ પર બસ હૈ. દેખો ઘર કા છોટા છોટા ટમાટર હૈ, મસ્ત મિલ ગયા. ભજન ગાતે ગાતે ભજન મિલેગા આપકો,
वीडियो के एंड में मिलेंगे। यस मजा आ गया, किंजल की हाईलाइट अच्छा चमक रही है, धूप में तो बहुत चमकेगी, ऐसी हाईलाइट करवाती रहती है, मजा आता रहता है। नखरे इतने है ना, इसके नखरे थोड़े थोड़े नखरे अच्छे है, नखरे अच्छे ओके तो कोई बात नहीं, अच्छे है ना। थोड़ा थोड़ा शौक करती हूँ ना इसलिए अच्छा है। कलर काम चल रहा है अभी, गली वाला आज लगा रहा है तो पूरी दीवार आज के दिन चमका देंगे, लंबा हमारा घर पूरा। निकाल रहे दर्शक, मम्मी कटिंग कर रहे हैं, रस कितना मीठो है, मीठी वो खाटी हुई थोड़ी हुई, हाँ कड़सी लागे। काफी लोगों ने पूछा था कहाँ से लाते हो, अमरेली फ्रूटी ला करके है, जूना मार्केट यार्ड में वहीं से लाते हैं, और वहाँ पे बड़ी बड़ी मिलेगी, लेकिन उसको बोलना पड़ेगा कि हमें यही चाहिए। यस बहुत मीठी, बहुत ज्यादा है, रसीलीदार, मस्त मस्त। रोहित तुम्हारी तबीयत कैसी है? अच्छी। જય સોમનારાયણ બધાયને, જય સોમનારાયણ, બધા મજામાં ને? સરસ સોમનારાયણ આવ્યા ખરા, આવો પર ટેંગડી આવી ખરા। ગુડ આફ્ટરનૂન, અભી किचन में फाइनली दिवाली की जीरा पूरी बनने लगी है, बाबू को बाहर वासन निकाल दिया, तब साफ सफाई का काम मस्त चल रहा है। या आज का भी रेसिपी का काम शुरू कर, सासू और बहू लगी पड़ी है दिवाली का काम करने के लिए, जीरा पूरी बनने जा रही है। क्या क्या डाला है? एक किला जीरा है, एक गेहूं का और मैदे का लोट है, और ऊपर से जीरा डाल दिया है। आगे जो जो भी डालते है वो बताते जाते हैं। ब्लैक पेपर डाल दिया है इसके ऊपर, ब्लैक पेपर मतलब मरी, अंडेली मरी, इसको मिक्स कर देना है। मरी डालने से क्या होता है, गैस प्रॉब्लम नहीं होता और टेस्ट में भी अच्छा लगता है। हाँ वो भी है। और ये क्या डाला है? जीरा है। अच्छा, जो भी बाकी बच्चा है वो मस्त जीरा ऐड कर दिया है। ज्यादा मसाला होता है उतना ही अच्छा लगता है। दिवाली का काम शुरू हो गया है, अभी कोई रुकेगा नहीं, चुकेगा नहीं, नहीं कुछ नहीं, हर रोज नया नया बनता रहेगा, विघ्न नहीं आएगा काम में। हाँ, अब तक विघ्न आता था नहीं। पूरी पसी सादा चेवड़ा, ममरा का चेवड़ा, लोड बन चुका है पूरी का। हर दिवाली पे ये बनाते हैं, ऐसे क्यों? पहले बनाने में कोई प्रॉब्लम है? ठंडी में अच्छी लगती है। अच्छा, ये भी उन्होंने मारी, ठंडी में अच्छी लगती है। अभी सब गेस्ट आते हैं दिवाली पे, तो सबके लिए नाश्ता भी रेडी रखना पड़ता है ना। वाह हाईलाइट, वाह किंजल, सरस किंजल, वेरी गुड बना रहे। ले मम्मी आ शू तो बोलते हाईलाइट नो करा, मैं आऊ नो करता। अरे मम्मी ने तो मेहंदी करवानी है। मम्मी मेहंदी करवी દિલ બડા ઓર ઉમર છોટી? દિલ બડા। અરે તો શું કહે છે, पूरी के बीच में हम एक माँ से सवाल करेंगे। किंजल पूछ रही थी कल मुझे कि हम तो दिवाली में हर साल ऐसा सब बनाते थे, मम्मी तमे एकला हता त्यारे के रीते बधु बनावता? ખવડાવવાનો બહુ શોખ, એ પોતે ઓછું ખાય, પણ ચકલી જેટલું જ ખાય, ચકલી જેમ ચણી લે પછી બીજા ને બધા ખવડાવી દે, तो हाथी बात से। तो मम्मी का ऐसा कहना है कि दूसरों को जितना हम खिलाएंगे ना उतना ही हमारा अच्छा होता है, इतना बनाते उसमें बच्चे ज्यादा हम खाएंगे, लेकिन माँ जो होती है वो खुश होती है, पत्नी बना बना के खुश होती है जब घर पे सब अच्छे से खाते हैं। तो है सच बात, बीजा में बनावा था, बीजा में बनावा था तीवू। हाँ आजू बाजू में बताएं, आजू बाजू घुघरा ने शेरी में कोई ने कांकरी वाता नो आवडे तो एम के घड़ी कावजो ने, तो हूँ एम कहू तुम रात ना समय मन आपो, दिवसे नहीं रात ना एम तो रात ना हूँ जाती। अरे वाह, तो खुद के घर पे तो सब बनाते थे, दूसरे के घर बनाना जाना हो तो भाभी ऐसा बनाते है, प्यार बांटते है, इसलिए उनको मजा आता है। यहाँ पर किंजल तुम क्या कर रही है, खाना पाड़ पाड़ के? वरना क्या होता है, जब पूरी फ्राई करते हैं तो फूल जाते हैं, फूलना नहीं है उसको, अच्छा क्रिस्पी बनाना है, इसलिए थोड़ा काढ़ा पड़ना पड़ता है। अच्छा, ऐसा थोड़ा दब्बा मारना पड़ता है, देखो पूरी को खाने से पहले उसको भी थोड़ी ठोकरे खानी पड़ती है, तो हम तो इंसान है तब टेस्ट आता है, मतलब हर कोई भाई खाने की चीज हो ना भाई तो भी उसको ठोकरे खानी पड़ती है, तब जाकर उसके अंदर मिठास बढ़ती है। इसलिए जिंदगी में जितना भी आगे बढ़ो
सहन करो, सहन करो और आगे बढ़ते जाओ, है ना। जितने जिन लोगों ने ठोकरे खाई होगी उतने वो सक्सेसफुल और सुखी रहेगा। नहीं मम्मी ऐसा है, वो सच बात है, सच बात है। बहुत ज्यादा लोग स्ट्रगल करते हैं, अनुभव है इसलिए पता है। हाँ सुख में कोई साथ नहीं देतु, तो बधाई दौड़े आवे। हाँ एवं केम छे, सुख में बधाई आवे, सुख में एटले केम के सुख में आपने कोई जरूर नहीं पड़ती। एटले मानस एम के काम हुई तो कहजो, जरा तकलीफ आवे दुख आवे ने ત્યારે આપણે સામુ ન જોયે, ત્યારે પૂછી નહીં દુખી હોય ને તો આપણે દુઃખ ના કામ માં ભાગીદાર ના થાય, ઓલો સુખ હોય ને તો એમાં ભાગીદાર થઈ જાય, હારા થવા જાય, દુઃખ માં હોય તો ખબર પડે હારું થયું, જેને સહન કર્યું હોય ને એને ખબર હોય કે દુઃખ હું વસ્તુ છે। જીતના હો સકતા આપની લાઈફ મેં સહન કર કર કે આગે જો ભી જાયેગા વો સક્સેસફુલ હોગા। ચલિયે અભી પૂરી બના બના કર ફ્રાય કર દેતે હૈ, ઠોકરે ખા ખા કર પૂરી ખાયેંગે અભી। क्या बनाना है किंजल आज? आज जो ममरा का चिवड़ा बनाना है। अच्छा ममरा का चिवड़ा बनाएंगे। भाई बाबू ने सारा बर्तन बाहर निकाल दिया, दिवाली का काम चल रहा है। बाबू बार क्या बा? तांबाना भाई, बाबू तांबाना आंडा राखे गोड़ियों के भाई। तो फाइनली मेरी तपस्या आज पूरी हुई, मतलब मुझे पूरी खानी थी और सास बहू ने मिल के मेरी सासों में प्राण भर दिए, मतलब मतलब पूरी मुझे बहुत बढ़िया लगती है, बहुत अच्छी लगती है। ना ना लेकिन क्या है, दिवाली जब नजदीक आती है ना किंजल तब ज्यादा अच्छी लगती है, गमे त्यार बना पर दिवाली वो तुम मजा आवे ना। तो मैं तो किंजल ने ख्याल आ जाए थोड़े बस प्राय होती हुई हमारी जीरापुर। यहाँ पे पौवा का भरपूर प्रमाण, साथ में है चिवड़ा बन रहा है, पूरिया बन गई है कातरोड़ भर के। नवरात्रि है तब हम रोज रात को आते थे ना, गरबा खेलने के बाद तब चिवड़ा इतना मीठा लगता था ना। हाँ, रात को 12 बजे किंजल खाती थी, 12 बजे 1 बजे 1.5 बजे कभी कभी तक मैंने खाया है। हाँ, तो भाई मजा आता है। तो पौवा यहाँ पर रेडी कर दिया मस्त, साथ में है इतना ज्यादा कड़ी पत्ता डालेगी। और ये है हमारा देखो प्योर मगड़ी सिंह, देखो ये हमारी है मगड़ी सिंह, मीठी आती है चिवड़े में डालना है। इनको मस्त फ्राई किया जा रहा है, इस तरह मस्त फ्राई कर रहे हैं और अभी डाल रहे हैं इसके अंदर मकड़ी सिंह की मिठास ही कुछ अलग है भाई। हाँ हाँ हाँ, मामा कैसे? चेवड़ा बहुत ही बढ़िया बन चुका है, सिंग बिंग डाल के, पौवा डाल के, कड़ी पत्ता डाल के मस्त बनाया है। अभी दिवाली में टेंशन नहीं, छोटा बच्चा बड़ा बच्चा दोपहर के बाद दोनों का नाश्ता रेडी, दोपहर हो जाता है। किंजल के कुछ है खाने के लिए? अभी तो पूछना नहीं, डायरेक्ट किचन में आके खा लेना है। वेरी गुड। दिवाली का काम आस पास में सब घर पे अभी हो रहा है और बाबू और माँ ने भी शुरू कर दिया और ये चकली यहाँ पे डिस्टर्ब कर रही है कब से। ए बा हैरान करे छो ने बा, बधु आम थी तेम कर नाखे छे, थोड़ा हो देखो ये इधर उधर रख देगी तो क्या कर रही है चकली। बाबू मिला क्या जीनस मिला क्या हुई जैस अभी जा अभी तो गार्डन में अभी ए चोकरी अन ए पड़ी जवाय। સુરત થી આવ્યા છો? સુરત થી આવ્યા। હેલો ફ્રેન્ડ્સ, યે જો વિધિ હૈ વો ખાસ દેખિયેગા ક્યુંકિ યે દુખ કી તો હૈ લેકિન ઉસસે કહીં ઝ્યાદા સુખ કી ભી હૈ, ક્યુંકિ યે દિન હમ સબકે જીવન મેં એક દિન આને હી વાલા હૈ, લેકિન યે વિધિ હમ સબને હમારી પેઢી કો સિખાઈ હોગી તો કહીં ના કહીં હમારી મોક્ષ કે લિયે યહી ઉપયોગી રહેગા। आज से ये मगन काका की आत्मा को शांति तो मिल गई, लेकिन हमारी आत्मा को शांति के लिए हमें हर रोज़ कहीं ना कहीं प्रयत्न करने हैं जिनसे हमारा जीवन अच्छा बने, कहीं ना कहीं प्रेरणादायक बने और जब भी हम इस दुनिया से जाए तब लोगों के पीछे एक खुशी का माहौल हो और वो मन में ऐसी खुशी हो कि हमारे पीछे जो भी गया है वो हमें बहुत प्रेरणा दे के गया है, खुशी दे कर गया है। कहीं ना कहीं तकलीफ तो होती है इंसान के जाने से, लेकिन खुशी वो बात की होनी चाहिए कि वो आत्मा बहुत ही बढ़िया काम करके गई है, क्योंकि ये हमारी कर्म भूमि है, यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ कर्म करने हैं, वो कर्म हमारे साथ आते हैं और वो कर्म के हिसाब से हमारे बच्चों का भविष्य लिखा जाता है। आइए हम सब भी अच्छे कर्म के साथ जुड़ जाए और दुख की घड़ी हो तो उसको भी सुख में लाकर आगे जिंदगी के सफर में चलते जाए।
चलते जाए। परी शर्मा है रोज वीडियो जो है ત્રીજુ બજે 7:15 ઓર દોનો બેટિયા પાપા ઓર માં કે સાથ દોનો મસ્તી કર રહે અભી મજા આ રહા હૈ શામ ઢલ ગઈ હૈ અભી ખાના બાકી હૈ કિંજલ ક્યા બનાયા હૈ ખાને મેં આજ ગાંઠિયા કી સબ્જી ઓર રોટી દોનો મસ્તી વાલા ગરબા કર ગરબા ગરબા અરવિંદ ગબર ગરબા મસ્ત આવડે જો હું કીધું પપ્પા પગામ આમ કરો ને એટલે બે થી દવા હા વિલ્યો હવે કરો તેડવાનું કર્યું છે હવે આ કરો ઉસકે બાદ ગઈ ને મમ્મી હા ચલો તો ખા લેતે બાદ મે ક્યા કરના હૈ આજ બાદ મે થોડા મસ્તી કરેંગે ઓર લાસ્ટ મે ભજન સુનેંગે હા ભજન ઠીક હે આ તારી ફાલા હા દાદા નો આવી બેનુ હા આવી બેનુ દાદા નો એ હું ખેંચવા પડી હા દાદા નો આવી આ રે દોડ બડાટી બોલે દી ટિક 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 આ કે આ તારી ઉભા નો વારો એ મમ્મી નો વારો બધા ઢીંગા ચકડી બોલાવે છે માથા મારે મજા આ રહા હૈ ભાઈ પૂરી ફેમિલી મસ્તી કે મૂડ મેં હૈ અભી 7 બજ ગયે અંધેરા હો ગયા ઠંડી બઢતી જા રહી હૈ ઓર બચ્ચા પાર્ટી મસ્ત લે જા રહી હૈ ઓર સબસે જ્યાદા નોટંકી યે કર રહી હૈ છોટી હમારી યે મેડમ ભી બોલ રહે અભી સે સ્કૂલ સે કે તુમ્હારી છોટી હા તુમ્હારી છોટી નખરેબાજ બનને વાલી હૈ યે અરે તાર અરે તાર મોઢું કેમ કરે અરે મોઢું કેમ કરે મોઢું કેમ કરે યો બાપ રે હા નાથ જોડી હાથ પાયે પ્રેમથી સહુ માગીએ શરણ મળે સાસુ તમારું એ હૃદયથી માંગી સુસંપત્તિ સુવિચાર ને સત્કર્મનો દૈવારસો જન્મો જન્મ સતસંગથી કીર્તાર પરયું તારજ જે જીવ આવ્યો આપ પાસે શરણમાં અપનાવજ પરમાત્માએ આત્માને શાંતિ સાસી આપજ આનંદને કિલો કરતું મસ્તીમાં એમ હાલતું કરના સ્વજન અને મિત્રો એના વગર ન ચાલતું સુંદર મજાના પિંજરે આનંદથી રહેતું હતું સંસારમાંથી વાત બધી એ પ્રેમથી કહેતું હતું ઓ સિંતું એ ઉડી ગયું પિંજરું એ ખાલી થઈ ગયું મીઠી મજાની પ્રેમ કરી યાદો સૌને લઈ ગયું આવી પડેલા દુઃખ ને પ્રભુ સાથે રહીને કાપજો શરણું સ્વીકાર્યું આપનું પ્રભુ શાંતિ એને આપજો જય સ્વામિનારાયણ જય સ્વામી